अरे नाम सुबह ट्रैकिंग पक्का जाएंगे ना। ये सही है, ये हुए ना देखो 99 सेंट के, यही अपन को पसंद है। 6 पैक सारे घर मैंने देखे हैं, बट जिस स्टाइल से पूरा ऐसा बना रखा ना, तो ये वो बताते पहले ये होम बार था, देन याद है यहाँ पे एस्थेटिक लाइट्स लगती थी यहाँ पे, अभी ये पूरे कैबिनेट्स है। खुल के हग सकता हूँ मैं यहाँ पे, खुल के आराम से, इतने लेट लेट के हग जाऊँ कल को इसमें। खाने से बड़ा सुकून है खाने में नशा हो तो, मैं तो झूमता रहूँ पूरे टाइम। Guys, welcome back to my channel. My name is Pranav. You guys are watching Yoshing Around. So let's get started. मैं जा रहा हूँ आज ट्रैक पे, तो ये ट्रैक जो मुझे पता चला, ये एक फेसबुक पेज के थ्रू पता चला कि एक फेसबुक पेजेस होते हैं यहाँ पे आयरलैंड में, जिसके साथ यू गेट इन टू कोलैब और फिर वो तुम्हें साथ में ट्रैक पे लेके जाते हैं। सो बहुत सारी न्यूज़ है वो बताऊंगा ढंग से। तो मुझे विवेक भाई थे, उन्होंने मुझे बोला कि प्रणव संडे है चलेगा ट्रिप पे, मैंने कहा हाँ चलूँगा क्यों नहीं, तो उन्होंने मुझे बोला कि चल ठीक है आ जा। तो अभी मैं डगलस में हूँ, ये सर्कल के यहाँ का बहुत फेमस है, तो जितने लोग डगलस से देख रहे हैं उन्हें तो पता होगा सर्कल के इतना फेमस क्यों है, क्योंकि ये सबसे मेजर इनका स्टॉप है। यहाँ पर बहुत सारी बसेस 220 आती है, 207 आती है, और बहुत सारी बसेस है जो यहीं पर रुकती है। तो अभी मैं आया हूँ डगलस, वह अभी आ रहे विवेक भाई, फिर हम जाएंगे टेस्को, कुछ सामान वामान लेंगे, क्योंकि ट्रैकिंग है वो मैं कल सुबह जाऊँगा, तो आज मैं उनके घर पे स्टे कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था हमारे यहीं से गाड़ी जाएगी, तो मैं कहा ठीक है यहीं पे आके स्टे कर लेता हूँ मैं, सुबह 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 8 बजे हमें निकलना है तो वो करेंगे। कैसे हो इतने टाइम बाद? कैसे हो, कुछ बोलना चाहोगे आप? कितने टाइम बाद मिल रहे हैं हम? साल से ऊपर हो गया, साल से ऊपर तो नहीं हुआ, बट बीच में इतना गायब गायब रहते थे, मैं तो इंडिया चला गया था और पार्टी से भी बहुत रेयर आते थे। तो दयाच विवेक भाई जिन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा कोई ट्रैक है और हम उस पर जा रहे हैं, और ये कॉर्क में पहली बार डगलस आ रहा है। मैं कॉर्क में पहली बार डगलस आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूछा था कि भाई बस कौन सी लेते, सोचा कॉर्क में रहेगी भी मुझे ये सब नहीं पता। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? पहले टेस्को से सामान वामान लेना, कुछ खाने पीने का सामान, पानी वानी लेनी चाहिए, कि बैकअप होना चाहिए भाई, क्योंकि भूख तो हमें इतनी लगती है, मैं ट्रैक पता नहीं कितने सालों बाद कर रहा हूँ, तो मुझे तो लग रहा है चल चल के मैं थकने वाला हूँ, मुझे लगेगी भूख। तो टेस्को चलते हैं, कुछ सामान उठाते हैं। सब्जी वब्जी भी उठा लें, वहाँ पे ऊपर चल के ट्रैकिंग पे वहाँ पे खा रहे होंगे। तो सुबह 8 बजे आएगा वो बंदा? हाँ 8 बजे आएगा, 8 बजे आएगा यहाँ से पिक करके फिर लेके जाएगा। हाँ। बट कहाँ जाएगा ये नहीं पता अभी हमें, पता है वो जगह याद नहीं आ रही आपको? नाम क्रिटिकल लगता है कि किलकेनी काउंटी में, तो किलकेनी काउंटी है, जगह तो मुझे पता ही नहीं क्योंकि विवेक भाई ने मुझसे पूछा था, तो अभी देखते हैं कहाँ जाए। सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसमें, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। कितने का ये? 1 यूरो का। एनर्जी की कमी लगती है ना अपने को हाइकिंग में। हाँ। बेस्ट है 1 यूरो का पैक है सिंपल। हाँ भाई 1 यूरो का तो काफ़ी सस्ता है। सारे उठा लो, मुझे तो लग रहा है बहुत एनर्जी की कमी होगी मुझे में। वो दो लोग भी है ना। अच्छा वो भी अपना उठा उठा के ला रहे होंगे। वो जो और दो लोग है वो है ऋषभ, जिसको आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, और एक बंदा है भावेक, तो वो भी हमारा नोन है, तो हम 4 जा रहे हैं। वो दो सुबह वहाँ से आएंगे और हम दोनों यहाँ से सुबह जाएंगे। हाँ बंद से लो, ये सही रहेगा ना, ये उठाओ ना 85 सेंट के, वही तो मैं देख रहा हूँ। ये 2-2.15 के 85 भी उठाओ आप, हमें खा लेंगे, हमें आदत है खाने की ऐसी। अच्छा कह रहे वहाँ जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है डी विवेक भाई। वहाँ पे सही में महंगे थे इसलिए उधर जा रहा हूँ। ये सही है, ये हुए ना देखो 99 सेंट के। हाँ। यही अपन को पसंद है, 6 पैक आने के लिए। लेना है एक और? नहीं एक ही ले, एक काफ़ी है ना। प्रिंगल्स तो नहीं लेना आपने? 2.5 यूरो के भाई, और ठीक है। और बाकी पानी की बॉटल होगी वैसे आपके पास कोई एक्स्ट्रा? पानी की बोतल यार, वो तो रास्ते में रुकेंगे वहाँ पे, फिर ले लेंगे। हर गाड़ी रुकती है मतलब? कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं टोटल? कुछ आइडिया मतलब कितने लोग होंगे वैसे? 23 लोग रहे। अच्छा 22-23 लोग जा रहे हैं, पहले मुझे लगा सिर्फ हम ही जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे फुल क्या बोलते रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन लोगों की। अच्छा सब कुछ गियर्स के साथ चलते हैं। तो ये आपको फेसबुक ग्रुप पे मिला ना? ये फेसबुक ग्रुप होते हैं, होते उनके पास मेडिकल और सारी ट्रीटमेंट वगैरह। अच्छा कुछ भी हो सकता है ना। हाँ हाँ, तो केयरफुली जाना पड़ता है। अच्छा बैकअप सपोर्ट वगैरह सब कुछ होना चाहिए। और इसका कोई ऐसा कोई चार्ज वार्ज होता है या क्या, मतलब पैसे का क्या? 50 यूरो पर ईयर उनका ग्रुप मेंबरशिप है बस। अच्छा नहीं जैसे हम जा रहे हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ आज, तो अब तो वो एज अ गेस्ट भी आ सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सही, वैसे तो टेस्को में वहाँ पे जैसे आपको मैंने दिखाया ट्रॉली में वो जाके सामान करता है, ये सेल्फ चेक इन होते हैं कि आप खुद यहाँ के अपना करो सामान रखो,
और यहीं से सीधा कार्ड से पे कर सकते हो, तो आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। वही ऐसे घर में रहते हो आप, ऐसे जबर घर वाला, हाँ घर वाला बाहर समझ गया। बट सही यार, काफी बढ़िया बना रखा है, स्पेस है कितना। और क्या रेंट दे रहे हो आप इसका अभी? वो 50 अराउंड। ओह माय गॉड। और यहाँ पे सिटिंग में 600-600 के घर मिल रहे थे, चूजे चूजे से। और विवेक भाई जॉब हो तो विवेक भाई जैसी हो। ये वॉशरूम है, ये इतना खुल के हग सकता हूँ यहाँ पे, खुल के आराम से, इतने लेट लेट के हग जाऊँ कल को इसमें। इतना लैविश है भाई, काफ़ी काफ़ी बड़ा है भाई ये घर, 450 के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा घर है। ये वॉशिंग एरिया हो गया सारा, यहाँ कोई मशीन होगी, वो ड्रायर होगा धोने वोने का, माइक्रोवेव हो गया। काफ़ी होमली वाइज भी है, पता है मेरी होमली वाइज। इस तरफ क्या है? टीवी रूम। ओह अच्छा, अभी तक हम लिविंग एरिया आए ही नहीं थे। ये लिविंग एरिया भाई, भाई विवेक भाई मजाक नहीं कर रहा, ये होना चाहिए बता घर। कल को हमको भी घर लेना कसम से, ऐसा घर होना चाहिए। थोड़ा मेसी है बट तब भी अच्छा लग रहा है रहने में यहाँ पे। नहीं वो अभी जस्ट ये थोड़ा वर्क, अच्छा वर्क के चक्कर में वैसे था ना, सारा सामान इधर वाले। अच्छा अच्छा, रूम कहाँ है आपका? एक और लिविंग एरिया बताओ, एक घर में दो लिविंग एरिया। थोड़ा मेसी है, इग्नोर द मेस बट लुक एट द एरिया एंड द स्पेस। अरे ऊपर भी है भाई ये घर, मोना तो ये फेक भाई का रूम है, काफी बढ़िया है भाई, स्पेशियस है भाई। दिस इज गिविंग अ वाइब कि आप बाहर रह रहे हो कहीं दुनिया में, ऐसा लग रहा है कि बाहर रह रहे हैं। व्यू सामने से ही है, चाहे जो भी है बट व्यू है, खिड़की तो है। बेड भी काफ़ी बढ़िया, स्पेस है, वर्किंग एरिया हो गया, टेबल है, क्वाइट गुड। मिनी गार्डन, ओह मिनी गार्डन ना रहे भाई। तू मेरे को साफ करने दे, पता नहीं लग रहा है। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। मेरा रूम तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं है, नहीं तो आप लोगों के ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। क्या जी? मंदिर अपना। ओह इनको पहले ऐसे कर लेना, सब सही रखना कल। डगलस साइड में मतलब काफ़ी स्पेशियस घर है, और लिटरली इतना ज़्यादा स्पेशियस घर, सिर्फ 450 रेंट है, बहुत चीप है और बहुत सस्ते में है। अभी मैं गिरता जोर से। ये वो किचन वाला एरिया जो आपने अंदर से देखा होगा, फिश पॉन्ड है। फिश पॉन्ड है, फिश है उसमें? अच्छा है, मतलब है, नहीं होंगी फिश, डर क्यों रहे हो इतना? नहीं वो अंदर भाग जाती ना, फिर दिखेगी। अच्छा वो रही वो रही वो बीच में है, आप लोगों को दिख नहीं रही होगी। तो भाई चिकन है तैयार, विवेक भाई की स्पेशलिटी बता दो एक बार। ये इतने स्टूडेंट्स आएंगे, उनको सिखाना पड़ेगा भाई ये कैसे बनता है सारी चीजें। ये टेस्को से पूरा ये मिल जाता है ये बॉक्स, ठीक है? रोस्ट कर लो, ओवन वगैरह सब जगह होती है, रख दो थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना है 150 डिग्री सेल्सियस में। बस 150 डिग्री सेल्सियस में अगर तुम्हें ये मिल रहा है, इंडिया में भी खाना मिल जाता है बट इंडिया वाला खाना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के स्पाइस ना थोड़े कम होते हैं, तो ये चीज़ें डाल के स्पाइस थोड़े और बन जाते हैं। और कितना फैबुलस लग रहा है भाई, अभी से ही भूख लग रही है। थैंक यू विवेक भाई। विवेक भाई कह रहा है तू पहली बार आया तो आज खिलाता हूँ भाई मैं, और प्रॉन्स खिलाऊंगा। प्रॉन्स भी है, प्रॉन्स भी आने वाले हैं, प्रॉन्स भी आज खाएंगे। मतलब कल हमें ट्रैकिंग जाना है बट आज हमें भरपेट खाना है कल की एनर्जी के लिए, कल की एनर्जी होनी चाहिए प्रॉपर इसकी, तो इसको खाना शुरू करते हैं। जबर सुकून, खाने से बड़ा सुकून है खाने में नशा हो तो, मैं तो झूमता रहूं पूरे टाइम। सो वेलकम टू द क्रेविंग पार्ट 2। तो इतने सारे चिकन खाने के बाद अब पिज्जा जो लेके आया था वो भी सोच रहे अभी खा ले। पिज्जा में कुछ डाल रहे हो टॉपिंग? हाँ चीज़ डालेंगे, चीज़ है ना,
तो वैसे तो पिज्जा नॉर्मल मिल जाएगा, बट पिज्जा के ऊपर चीज वीज डाल के उसको चीज बर्स्ट बनाना हमें आता है, क्योंकि चीज बर्स्ट हमने सिर्फ डोमिनोज में खाया है, लेकिन हम यहाँ पे इसको खुद चीज बर्स्ट बनाते हैं। और एक खासियत है कि आयरिश डेयरी प्रोडक्ट बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छे होते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट का अगर फायदा नहीं उठा तो आयरलैंड में रहने का फायदा नहीं। अगर ऐसी फिट बॉडी चाहिए भाई जैसी तो डेली जाके यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स खाओ यहाँ पे, मतलब सही में इनका पूरा प्रॉपर डेयरी फार्म और कितना सुपर्ब सा है यहाँ पे। हाँ एक चीज पता है इनको, अगर इन लोगों के पास मिल्क एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, ये लोग बीफ पार्क मतलब जो पीक होता है उसको ये लोग दूध पिलाते। अच्छा पहले उनको ही पहले उनको पिलाते हैं, उनको उकसाते हैं, फिर चकाचक सब पूरी सिटी को खिलाते हैं। मतलब हम बोलते हैं ना कि ये पी क्या है, कुछ भी खाता है भाई, यहाँ वो दूध पीता है तो कितना प्योर यहाँ पे उसकी कदर करी जाती है, बट लेकिन कुछ लाइफ टाइम तक, यही तो लाइफ लेसन्स है। लोगों को आपकी कदर उस टाइम तक होगी जिस टाइम तक आप सही हो, उसके बाद वो खचा काटेंगे और आपको लाइफ से दूर करेंगे। तो यही ये डेयरी प्रोडक्ट्स के यहाँ के लोगों का यही ख्याल है। तो ज़्यादातर ये जो फ्रोजन पिज्ज़ा होते हैं ऐसे पूरा उससे आते हैं, कहते हैं प्लास्टिक में, और उसके ऊपर से हम डालते हैं चीज़, अगर स्पाइसेस डालने तो स्पाइसेस डाल दिए, तो सारी चीज़ें डाल के क्रिस्पी सा बना। बट आई स्वेयर विवेक भाई, मुझे ना कसम से इस घर से बहुत प्यार हो गया है। मैं आयरलैंड में कितने घरों में रहूं, इतने सारे घर मैंने देखे हैं, बट जिस स्टाइल से पूरा ऐसा बना रखा ना, तो ये वो बताते हैं पहले ये होम बार था, देन याद है यहाँ पे एस्थेटिक लाइट्स लगती थी यहाँ पे, अभी ये पूरे कैबिनेट्स है और ये छोटा सा वो नहीं होता आपको रेस्टोरेंट्स में ऐसे फ्रिज होते हैं, तो भाई इतनी ज़्यादा डिटेलिंग और ये अच्छा दीवार में ऐसे अटका पड़ा है, तो भाई इस घर के पीछे पूरी मतलब सोच लगाई है किसी ने, स्पेशली ये वाली चीज़ की मतलब एस्थेटिक्स ही लग रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम बाहर बैठे हुए थे तो इसको जला के बाहर लाइट थी। क्या चीज़ यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज बन सकता है, ऑयल इसमें सारा फ्रेंच फ्राइज देखते हैं ना, सही में भाई ऐसा घर बताया, क्योंकि ये विवेक भाई एक ओनर के साथ रहते हैं, तो वो ओनर बताता था कि दिस वाज लिटरली अ पार्टी प्लेस, कि हर वीकेंड्स या जिस भी ओकेजनल वीकेंड्स पे एवरीवन यूज्ड टू कम इन, यहाँ पे पूरा डांस वांस का होता था, यहाँ पे बार होता था, खाने पीने का यहाँ पे पूरा बनता था, अब तो फ्राइज बनते होंगे यहाँ पे, पकते होंगे सामान और सबको मिलता था, बाहर बारबेक्यू है, बारबेक्यू अभी हमने दिखाया नहीं, आज हमने बनाया नहीं, बट लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं कि मतलब बंदा फुली इंजॉय करे, कि यार मतलब वीकेंड स्पॉट होना, कि यार ऐसा घरों का समझा ऐसा घर हो, यहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं सबसे, और ये वाली लाइफ जो है ना वो कसम से ही पूरे घर में दिमाग लगा के बनाई गई। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक्स्ट्रा चीज़ डालते हैं टू मेक इट चीज़ बर्स्ट, लेकिन हम डोमिनोज तो नहीं हैं, हम डोमिनोज जैसा काम तो नहीं कर सकते, तो केयरलेसनेस हमसे भी होती है, तो अगर केयरलेसनेस हो जाए तो थोड़ा सा पिज़्ज़ा यहाँ से जल सकता है, तो हम शायद अब आधा बीच का कुछ खा लेंगे, क्योंकि इस तरफ भी जला हुआ इस तरफ भी जला, तो क्या व्हाट डू वी नो एंड व्हाट हैव वी लर्नड, तो व्हाट डू वी नो व्हाट हैव वी लर्नड, वी नो वन थिंग कि वी कैन मेक द डोमिनोज काइंड ऑफ पिज़्ज़ास, बट व्हाट हैव वी लर्नड कि ओवरहीट करनी नहीं चाहिए और बातें बीच में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। विवेक भाई आप भी हमारी बातों के चक्कर में हो गए, बातों के चक्कर में पूरा जला ही दिया भाई, बट कोई नहीं, हम तब भी खाएंगे इसको, यही तो स्ट्रगलिंग डेज बताएंगे अपने बच्चों को कि हम बेटा जले हुए पिज्जास खाते थे। तो अब बच चुके हैं रात के, देख लो 1 बज के ज़्यादा टाइम हो गया, तो आज का कुछ ज़्यादा ही फन हो चुका है कल का हमारे ट्रैकिंग से पहले, तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि कल ट्रैकिंग करनी है तो उसका तो पूरा अच्छे से ब्लॉग बनना चाहिए, तो मैं कहा क्यों ना इस ब्लॉग को यही एंड कर देता हूँ, जो ट्रैकिंग वाला मेन पार्ट है वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आज ये ट्रैक पार्ट की प्रिपरेशन साइड बाय साइड टाइम विद विवेक भाई ने देख टाइम विद विवेक भाई, क्योंकि इतनी बातें इतनी कुछ होता ही है कि मैं कहा भाई ये भी डाल ही दो ना, तो इसका 2 पार्ट बनाने का मैं सोच रहा हूँ। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड डू फॉलो, क्योंकि इसके बाद आई स्वेयर मैं ट्रैकिंग जा रहे हैं ना हम सुबह ट्रैकिंग, पक्का जाएंगे ना, तो पक्का ट्रैकिंग जाएंगे, तो अगली वीडियो ट्रैकिंग की पूरी आएगी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टिल देन मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।